प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम 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 ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि हे देवी माँ, मुझ पर और अपार भक्तों पर, लाखों भक्तों पर अपनी इसी प्रकार से कृपा बनाए रखें। और बहुत ही शुभ दिन, देवी के दिन चल रहे हैं जिस वक्त देवी प्रकट होती है और सभी भक्तों को आशीर्वाद देती है। नवरात्रों में देवी की पूजा करना, देवी के दर्शन करना, देवी की महिमा करना, इसका अर्थ है अनंत फल की प्राप्ति करना। जो दर्शक, जो व्यक्ति, जो मानस सच्चे मन से नवरात्रों में देवी माँ का ध्यान करता है, उनके दर्शन करता है, कन्या पूजन करता है, उसको लाखों गुना फल प्राप्त होता है। तो हमारा ये लाइव प्रोग्राम है प्रिय दर्शकों। इस लाइव प्रोग्राम में, यानी आप मुझे अभी देख रहे हैं तो अभी आप उससे बात भी कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर अभी जो आप नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी कॉल इस कार्यक्रम से जुड़े और आपको देवी अपराजिता की विशेष कृपा प्राप्त हो। तो आइए सबसे पहले हम एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। सरोज गुरुजी। सरोज बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? भिलवाड़ा राजस्थान से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 30 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 28। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। माँ का नाम अंकिता गिरी गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुजी। हरिओम बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो जी गुरुजी। बेटा वैवाहिक जीवन में काफी स्थितियां कुछ खराब होती जा रही हैं आपके। जी बिल्कुल। पति बिल्कुल बात नहीं मानते, बहुत गुस्सा करते हैं, घर में कला कलेश करते हैं। एक बच्चा भी होना चाहिए आपका बेटा। जी बेटा है। बेटा है ना आपके पास? जी छोटा बेटा है मेरा। क्या बेटे की तरफ भी आपके पति ध्यान नहीं देते? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान नहीं देते। 6 महीनों से तो बिल्कुल ही बदलाव आ गया उसके अंदर। बाहर रहते हैं, बच्चों से बात नहीं करते हैं, गुस्से में ज्यादा रहते हैं, लड़ाई झगड़ा घर में बहुत रहता है। घर पे कम रहते हैं, घर से बाहर ज्यादा रहते हैं। जी गुरुजी। और जब भी घर पर आते हैं, बच्चे पर आप पर कोई ध्यान नहीं देते, आप बात करते हो तो बहुत कला कलेश करते हैं और गलत बोलते हैं। जी गुरुजी बिल्कुल यही होता है। क्या बेटा पिछले 8-10 महीने से ये समस्या एकदम बड़ी है आप? जी बिल्कुल गुरुजी, 6 महीने से तो बहुत ज्यादा लग रही है। आपके बेटा नाक के ऊपर कोई बारीक तिल का निशान भी है बेटा? जी गुरुजी है। बेटा कुछ उपाय दे रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जी। एक तो बेटा आपने करना क्या है बेटा, आने वाले शुक्रवार के दिन आपको 800 ग्राम जौ लेने हैं। उस जौ को दूध से धोकर बेटा बहते पानी में जाके प्रवाह करना है बेटा आपने। जी। एक मंत्र दे रहा हूँ बेटा आपको मैं, ये मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। एक बार फिर से बोल रहा हूँ,
ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा आपको 10 मिनट रोज पाठ करना है। ये मंत्र यदि संध्या काल में गोधूलि के समय करेंगे, यानी जब सूर्य अस्त होता है, तो उस समय ना दिन होता है ना रात होती है, जो वो समय रहता है गोधूलि का, उस समय माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगाकर एक देसी घी का दीपक जला के, और दीपक जब आपको जलाना है बेटा, उस दीपक में 2 लौंग डालने आपको, अपना और अपने पति का नाम बोल के, और 10 मिनट तक ओम ह्रीम कुमाराय नमः इस मंत्र का बेटा आपको पाठ करना है। और जब पाठ करोगे तो मिश्री साथ में अवश्य रखनी है बेटा। वो मिश्री बड़े संभाल के अपने पास रखना। जब भी पति घर पर आते हैं, चाय दूध ठंडा कुछ पीते हैं बेटा, उस मिश्री का बेटा आपने खाने में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बेटा फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन आपको यदि कोई काली गाय दिख जाए तो काली गाय को हरा चारा, और यदि कोई नेत्रहीन वृद्ध ब्राह्मण मिले आपको या आपके आसपास कहीं हो, तो उस नेत्रहीन ब्राह्मण को शुक्रवार के दिन आप थोड़े से कच्चे चावल, थोड़ा दूध और कुछ दक्षिणा दान कर दिया करो, या आप उसको भोजन भी दान कर सकते हो बना के। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए, इस बात का बड़ा खास ध्यान रखना। ये उपाय करना, पति आपको पूरा सम्मान देंगे। और एक आपको और उपाय करना है बेटा, रोजाना माथे पर केसर का तिलक भी अवश्य लगाया करो, और जो बेटा है बेटे को एक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाना है, और आप सूर्य देवता को भी जल दिया करो। इससे आपके जो पति हैं वो शांत रहेंगे और बेटे की तरफ और आपकी तरफ ध्यान लगाएंगे। बेटा मुझे एक बार अपना गोत्र बताओ। अत्रि गोत्र है गुरु जी। बेटा फोन पर बने रहिए। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु। आपका सदा कल्याण हो, आप हमेशा जीवन में सुखी रहें। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार पेज से जुड़ें, हमारे पेज को शेयर करें, फॉलो करें। यदि हमारे YouTube चैनल पर आप इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो प्रभु दरबार आप टाइप करके या गुरुदेव राजेंद्रन कृष्ण टाइप करके आप हमारे YouTube को सर्च कर सकते हैं। हमारा डेली का लाइव प्रोग्राम हमारे YouTube पर भी चलता है। तो क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, हर व्यक्ति अपने कार्य में बिजी रहता है, हर समय आदमी घर पर नहीं रह पाता, 100 बातें होती हैं, लेकिन मोबाइल आपके सबके अपने हाथ में है। आप अपना YouTube खोलिए, प्रभु दरबार टाइप करके आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, और स्क्रीन पर जो नंबर होते हैं उन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है तो आपकी मुझसे सीधी बात हो पाएगी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को हम इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जल्दी से नाम बताओ। जी मेरा बेबी नाम है। बेबी बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? जी मैं गया से बात कर रही हूँ। बेटा अपनी उम्र बताओ, कितने वर्ष के हो गए हो? अंदाज 30 वर्ष। अपनी माँ का नाम बोलिए। सुखमा देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन नहीं काटना, फोन को अपने कान से लगा के रखिए बेटा, फोन पर अभी बने रहना। बेटा जीवन में बड़ी कठिनाइयां चल रही हैं, सोचे हुए काम नहीं बनते हैं, घर में सुख शांति बरकत नहीं है, जो कोई भी सोचा हुआ काम आपका सफल नहीं होता। और आपको जन्म से ही बेटा आपको शुक्र और बृहस्पति पर पितृदोष है, बृहस्पति आपका पीड़ित अवस्था में है,
अभी बेटा ये बताओ, विवाह में अड़चन आ रही है बेटा? जी बिल्कुल। इसके अलावा भी बेटा, आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो, कोई भी कार्य आपका नहीं बनता। आपको बेटा अब करना क्या है, अति शीघ्र इसी वर्ष बेटा हम आपका विवाह करवा देते हैं। आप रोजाना माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, गुरुवार से शुरू करना है, और 43 दिन लगातार बेटा आपको केसर का तिलक लगाना है, और 43 दिन लगातार शुक्रवार से 43 दिन आपको मंदिर में जाके शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना है। इसके अलावा बेटा 5 शुक्रवार 5 जायफल, 5 छोटी इलायची, 5 टुकड़े कपूर के, 5 लौंग, और ये सभी सामग्री बेटा सफ़ेद रंग के नए रुमाल में बांधकर 11 रुपये साथ में दक्षिणा रख के अपनी मनोकामना बोल के मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में रख कर आना है। एक शुद्ध पीतांबरी पुखराज रतन बेटा आपको अपने कंठ में धारण करना है। जीवन में कभी किसी की निंदा चुगली बुराई मत करना। जीवन में बेटा कभी किसी प्रकार का नशा मत करना। जीवन में कभी भी तामसिक भोजन का सेवन आपने नहीं करना। और आपको बेटा थोड़ी पितृदोष की शांति योग्य विद्वान से करवानी है। काले और नीले कपड़े पहनना बंद कर दीजिए। रोजाना अपराजिता देवी का स्तोत्र या तो पाठ पढ़ा करो या सुना करो। इससे आपको कार्य बेटा आपके बनेंगे, आपको सफलता अति शीघ्र मिलेगी। अगले 2 माह में आपके सामने परिणाम आएगा। बेटा अपना गोत्र जाति क्या लगाते हो जल्दी से बताओ। कास्ट से आप जी। अभी बेटा फोन पर बने रहिए। आपका बेटा सदा कल्याण होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास यही करता हूं कि इस कार्यक्रम से जुड़ के आपके जीवन का कल्याण हो, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो, आप जीवन में आनंद ऐश्वर्य से जीवन जिए और आपके सभी दुख दूर हो जाएं। यही संकल्प लिया है। उस माँ देवी की अपरंपार शक्ति, उनकी कृपा से मैं कृतकृत हो गया, और उस देवी की कृपा से आप सबके कार्य सफल हो गए। इस कार्यक्रम में जुड़कर लाखों व्यक्तियों ने अपना जीवन बदला है। आइए दर्शकों, माँ देवी की और कृपा प्राप्त करते हैं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी गुरुजी, मेरा जो नाम है वो विकास है। विकास बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? जी गुरुजी, मैं स्थान हाजीपुर झारखंड से बात कर रहा हूँ गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 5। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। गुरुजी मेरी माता जी का नाम है संगीता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी बेटा कुछ पुत्र को लेकर परेशानी चल रही है। पुत्र के स्वास्थ्य में काफी कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है बेटा, दिखाई दे रही है। जी गुरुजी। जी गुरुजी बिल्कुल सही बोला गुरुजी। बेटा भी है आपके पास? बिल्कुल गुरुजी, मेरा 8 साल का एक बेटा है गुरुजी। पिछले 8-10 महीने से कुछ बड़ी परेशानी आई है बेटे को? जी गुरुजी, साहब मेरा जो 7 साल का बेटा है गुरुजी, अचानक से उसको पैरालिसिस का अटैक मार गया है, जिसकी वजह से मेरा हंसता खेलता बेटा 8 महीने से बिस्तर में पड़ा हुआ है बेटा गुरुजी। घर में बच्चे को किस नाम से पुकारते हो? गुरुजी मेरे बच्चे का नाम घर में विक्की के नाम से पुकारते हैं, और बाहर भी उसका नाम विक्की ही है। बच्चे की माँ का नाम बोलिए। जी बेटे की यानी अपनी पत्नी का नाम बताएं बेटा। जी मेरी पत्नी का नाम है उर्मिला।
तीन बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी मैं लाइन पर बना हूँ। हरिओम बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? जी 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 गुरुजी। बेटा प्रारब्ध का दोष है, पूर्व जन्म के ऋण दोष है बच्चे पर। दूसरा बेटा पितरों का बहुत बड़ा साया और पितरों का ही दोष है, जिसके कारण इसके राहु और मंगल का दोष है इसके जीवन में। एक तो बेटा सवा लक्ष गायत्री मंत्रों का पाठ योग्य विद्वानों से अपने घर पर करवाएं बेटा, ये बहुत आवश्यक है। दूसरा इसके वजन के बराबर सात प्रकार का अनाज हर तीन महीने में एक बार बेटा आपने कबूतरों को पक्षियों को डालना है। आपने करना क्या है बेटा, एक ना पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ से काली हल्दी की एक गांठ लेकर आनी है। उस काली हल्दी की गांठ को बेटा किसी सुनार की दुकान पर ले जाना, उसको बेटा उसके ऊपर चांदी की कैप लगवा के, हुक लगवा के, काले रंग के धागे में सरसों के तेल का तिलक लगा के शनिवार को बच्चे के गले में धारण करवा देना। और एक बेटा आपको विशेष उपाय दे रहा हूँ, आठ शनिवार आपको, आप इसके पिता हैं बच्चे के, 400 ग्राम काले तेल, 400 ग्राम सुरमा खरीदना है, वो मंदिर में शनिवार को सूर्यास्त के बाद दान करना है। और यदि मंदिर शनि मंदिर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी डाकोत को दान करेंगे तो उसका और ज़्यादा आपको फल मिलेगा। ये उपाय बेटा आप कर लीजिएगा, आपका बच्चा अति शीघ्र सफलता प्राप्त करेगा, स्वस्थ जीवन प्राप्त करेगा, वो पहले की तरह बेटा स्वस्थ रहेगा और खेलेगा कूदेगा, चिंता नहीं करना। एक उपाय और कर देना, शनिवार के दिन आपने बेटा सुबह सुबह सात पत्ते आम कर ले, आम के लेके आने, उसको बेटा पानी में एक दो घंटे डाल के रखना है और उसी जल से उस बच्चे को बेटा स्नान करवाना है। ये प्रक्रिया हर शनिवार को करनी शुरू कर दीजिए, इससे इसकी ऑरा शुद्ध होगी और जो नकारात्मक ऊर्जा इसके चारों तरफ है उसमें बहुत कमी आएगी। बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। जी गुरुजी मेरा गोत्र मंगला है। जी अभी बेटा फोन पर बने रहिए। ठीक है। आपका बेटा सदा कल्याण होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं और माँ देवी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यक्रम बड़ा अलौकिक है, बड़ा अद्भुत है। इस कार्यक्रम से जुड़कर आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये साधारण कोई ज्योतिष का कार्यक्रम नहीं है, यहाँ तो देवी की कृपा का ही सारा महत्व है। और ना तो इसमें आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, बस अपना और अपनी माता जी का नाम बताएं, अपनी उम्र बताएं, मैं अर्जी लगाता हूँ और माँ की तरफ से जो आशीर्वाद मिलता है उसकी जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूँ, यही मेरा प्रयास है। आइए दर्शकों कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, एक प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। इंद्रावती जायसवाल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? यूपी से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र 50 साल के ऊपर। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 2 नंबर। बेटा अपनी माँ का नाम बताओ। तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। फोन पर बेटा अभी बने रहिएगा।
हरिओम हरिओम बेटा, कुछ बेटे को लेकर पुत्र को लेकर परेशान रहती हो। बेटा आपका नशा करता है ज्यादा बेटा। क्या नाम है आपके बेटे का? अमित जायसवाल। कितने वर्ष का है बेटा? अरे लगभग 28। बेटा एक बात का ध्यान रखना, बेटा जो है आपका जीवन में बड़ा संघर्ष करेगा। सूर्य इसका पीड़ित है और केतु का साया है, जिसके कारण बेटा इसका बृहस्पति भी पीड़ित हो रहा है। ऐसे में बेटा विवाह का योग, संतान का सुख बाधित है। नशा शराब करेगा तो भाग्य और डूब जाएगा। बात बिल्कुल नहीं मानेगा, जिद्दी है, बातें छुपाता है, धन की हानि करेगा। ये सब हो रहा है आपके साथ। तो इसके लिए बेटा आपको बृहस्पति के उपाय करने हैं। सबसे पहले एक तो बृहस्पति अभी बेटा मीन राशि में परिवर्तन करने वाला है, जो आपके परिवार के लिए बड़ा शुभ साबित होगा। आने वाले 13 महीने हर गुरुवार को बेटा आपने घर में थोड़े पीले मीठे चावल बनाने, उसके 3 हिस्से करने। पहला हिस्सा मंदिर में जाके विष्णु देवता को बेटा चढ़ाएं, उनको भोग लगाएं, प्रसाद मंदिर में ही बांट दें। दूसरा बेटा गाय को खिलाएं। तीसरा हिस्सा परिवार में सभी लोग उसका सेवन करें। इसके अलावा बेटा शुद्ध पीतांबरी पुखराज रतन बच्चे को गले में धारण करवा दीजिएगा, और एक चांदी का चकोर टुकड़ा बच्चे को हमेशा अपनी जेब में रखना है। आने वाले शुक्रवार के दिन बेटा एक चांदी का चकोर टुकड़ा दूध के साथ, 800 ग्राम दूध के साथ बहते पानी में बच्चे के हाथ से प्रवाह करवा देना, और शुक्र बृहस्पति की और पितृदोष की बेटा शांति करवानी है। और किसी प्रकार का आप लोग घर में नशा ना करें, नॉनवेज का इस्तेमाल ना करें, घर के अंदर शराब की बोतल ना रखें। आप बच्चे की माँ हैं, 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज खिलाना है, और 3 रोटी बेटा घर में सुबह रोज बनाया करो, नमक चीनी और घी डाल के, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए। ये नियम आपने बेटा कभी तोड़ना नहीं है, नियम से उपाय करना बेटा। अति शीघ्र इसी वर्ष आपका बच्चा सद्बुद्धि को प्राप्त करेगा, घर में सुख शांति आएगी, आपकी बच्चा बात सुनेगा, मानेगा, और इसका विवाह भी सफल हो जाएगा। ये शराब पीनी, नशा करना छोड़ देगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अभी आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और अपने जीवन को अनंत सुख प्रदान करना है। जीवन में दर्शकों सुख कब मिलता है? जब व्यक्ति पर देवताओं की कृपा होती है। और जीवन में व्यक्ति दुखी क्यों रहता है? जब बुरी शक्तियां और पाप और क्रूर ग्रह व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो पाप और क्रूर ग्रह से बचने के लिए, बुरी शक्तियों से बचने के लिए आपको देवताओं के चरणों में बैठना ही पड़ेगा। ये संसार का वैभव, संसार का सुख, उच्च कोटि का धन का, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख और समाज में ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा, ये सब देवताओं की कृपा से और शुभ ग्रहों के प्रभाव से ही प्राप्त होते हैं। तो अपने अशुभ ग्रहों को अपने नियंत्रण में करें, उनको उनकी इनकी शांति करें, शुभ ग्रहों के बल को बढ़ाएं और देवताओं की कृपा प्राप्त करके जीवन को धन्य बना लें। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। सुमित। सुमित बेटा कहां से बात कर रहे हो? उमत बापी गुजरात से। अपनी उम्र बताओ बेटा। 32 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12। अपनी माँ का नाम बताओ। मुत्री देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी। अपने बेटा कुछ भाई बंधु को लेकर परेशान दिखाई देते हो बेटा। भाई कुछ परेशान करता है घर में? जी गुरुजी, भाई से बहुत परेशान है, बुरी संगतों में नशा वगैरह ज्यादा करता है,
और आपका जो भाई है घर में कोई पैसे वैसे भी नहीं देता बेटा? नहीं देता गुरुजी। इसकी शादी भी नहीं हुई अभी तक भाई की? नहीं, बात करी थी, हुई नहीं। बेटा एक काम करना, आपके भाई के लिए कुछ विशेष उपाय दे रहा हूँ। दो तांबे के सिक्के लेने हैं आपने बेटा, दोनों सिक्के सुराख वाले होने चाहिए। एक सिक्के को बेटा भाई के हाथ से मंगलवार को जल प्रवाह करवा दीजिए, दूसरे सिक्के को लाल रंग के धागे में भैया को गले में धारण करवाना है मंगलवार को सुबह। और इसके अलावा बेटा लाल रंग के पुष्प और बेल के पेड़ की छाल, ये हर मंगलवार को बेटा आपका भाई मंदिर में जाके शिवलिंग पे बेटा चढ़ाना शुरू कर दे, इससे बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा। और 800 ग्राम लाल रंग का रोली सिंदूर, ये मंदिर में इस बच्चे के हाथ से, भाई के हाथ से मंदिर में दान करवा देना। सबसे बड़ा दोष इस बच्चे को मंगल का है, मांगलिक है बच्चा, जिसके कारण विवाह में बाधा, बुद्धि में बेटा दोष है, नशा करता है, मंगल पीड़ित है, इसलिए आपसे भी विचार इसके कम मिलते हैं और अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझता। तो हर मंगलवार को छोटे गरीब बच्चों को थोड़े भुने हुए चने और गुड़ का ये बच्चा अपने हाथ से दान करे, और एक सफ़ेद रंग का मूंगा चांदी में बनवा के इसको सीधे हाथ की अनामिका उंगली में बेटा धारण करवा देना। ये उपाय बेटा कर लेना, जीवन में सफलता मिलेगी और बच्चा सदमार्ग पर आएगा, नशा करना छोड़ देगा। और मैं इसी वर्ष जुलाई से पहले पहले बेटा मैं इसका विवाह भी कार्य सफल करवा दूंगा। बेटा एक बार मुझे अपना गोत्र जाति बताओ। गौतम। फोन पर बेटा अभी बने रहिएगा। आपका सदा कल्याण। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन को अवश्य बदलें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। ये कार्यक्रम सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान ही नहीं देता, इसमें आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, आपको दिव्य स्वरूप माँ के दर्शन होते हैं, और दिव्यता के जब दर्शन आप करते हैं तो सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से दूर हो जाती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, एक प्रिय जन को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में माँ देवी के दरबार में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरु जी, अशोक कुमार नाम है। अशोक जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? इंद्रबड़ी से, डिस्ट्रिक्ट जोड़ी से। अपनी अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 40 साल। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 24। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। अम्बो देवी। तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। घर में ज्यादा पैसे की बरकत नहीं है, समृद्धि नहीं है, सुख शांति नहीं है। अभी बेटा कुछ खेती बाड़ी करते हो बेटा? जी जी। बच्चे तीन हैं, दो बेटा एक बेटी? हाँ जी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, आप और आपके तीनों बच्चों पर प्रबल पितृ दोष है बेटा, और ये पितृ दोष इतना ज़्यादा प्रभावी है कि बच्चों को जीवन में आगे सफलता और सुख नहीं मिल पाएगा। आपने भी जीवन भर बेटा बड़ी कठिनाइयों से संघर्ष किया है, रोज़ कुआं खोदते हो, रोज़ पानी पीते हो, आपके पितरों का दोष है बेटा। और एक आपका अपना भाई भी है जो पितृ रूप में बेटा दिखाई देता है। बेटा कोई भाई है जो गुजर गया था आपका? बेटा पितरों की शांति बेटा करवा लीजिए। रोजाना 11 बार बेटा गायत्री मंत्र का पाठ करके सूर्य को जल दिया करो, जल में थोड़ा कच्चा दूध और काले तिल अवश्य डाला करो। तीनों बच्चे हैं आपके, दो बेटे एक बेटी, दोनों बेटों को और एक बेटी को बेटा गजेंद्र मणि रतन बेटा लाल रंग के धागे में गले में धारण करवाना है।
घर में बेटा परिवार के सभी लोग सात प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज डाला करो। इसके अलावा बेटा आपके पूरे परिवारजनों को पितरों की शांति योग्य विद्वान से बेटा अवश्य करवानी है। इसके अलावा बेटा तीन रोटी घर में रोज बनाओ, नमक चीनी घी डाल के गाय कौवा कुत्ते के लिए। और आप बेटा अपने घर में बड़े हैं, थोड़ी सी ताजी दूर्वा लेकर यानी हरी घास लेकर गंगा जल कच्चे दूध से धोकर उसको मंदिर में जाके बेटा गणेश जी को चढ़ानी है। इससे बड़ा दिव्य लाभ होगा, बच्चे सफल और सुखी होंगे, जीवन में आनंद आएगा और परिवार से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा पलायन कर जाएगी। बेटा अपना गोत्र या जाति बताओ मुझे, क्या लगाते हो बेटा? चंद्र गोत्र। अभी बेटा फोन पर बने रहिए। आपका बेटा सदा कल्याण होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान बड़े सरल माध्यम से कर सकते हैं। आपके पुत्र की नौकरी नहीं लग रही है, पुत्र पुत्री की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, पुत्र पुत्री के विवाह में अड़चन क्यों आ रही है जबकि आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छा पैसा है, अच्छी कोठी गाड़ी है या बच्चे अच्छी नौकरी करते हैं, बच्चे सुंदर हैं, फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा है, आपके बच्चे विदेश जाना चाहते हैं उसमें अड़चने आ रही हैं, वीज़ा मिलने में दिक्कत आ रही है, नौकरी व्यापार में आपको प्रमोशन तरक्की नहीं मिल रही है, कर्ज से दबे हुए हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम है गौरव। गौरव बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? गुरुजी रामनगर से। एक से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 15। अपनी माँ का नाम बताओ। मेरी माता का नाम है उर्मिला। तीन बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा घर में बड़ी नकारात्मक ऊर्जा, प्रेत बाधा और तंत्र बाधा का प्रभाव दिखाई दे रहा है बेटा। ये बताओ आपसे छोटी बहन भी है? बिल्कुल गुरु जी, उस बहन के ऊपर बेटा ज्यादा मुझे दिक्कत बाधा दिखाई दे रही है बेटा, आपको कभी महसूस हुआ ऐसा? जी जी, एक दिन स्कूल से आ रही थी तो उसके बाद से बड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रही। कभी घर में बेटा कुछ अजीब स्थिति महसूस होती है, कुछ भय लगता है या कुछ आभास होता है कि जैसे घर में कोई है कुछ? बिल्कुल, जब रात को निद्रा ग्रहण करते समय प्रेत आत्माओं का वास मुझे अनुभव होता है, रात्रि को मुझे खुद अनुभव होता है। ढंग से रात को सोते नहीं हो बेटा? बिल्कुल गुरुजी। करवटे बहुत जल्दी बदलते रहते हो, कभी इधर कभी उधर? जी गुरुजी, टेंशन बहुत ज्यादा रहती है। क्या रात को बाथरूम के लिए भी 2-3 बार उठना पड़ता है आपको? बिल्कुल गुरुजी, कई बार जाना पड़ता है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिए बेटा। बेटा आपने करना क्या है बेटा? आपने 21 बेटा अशोक के पेड़ के पत्ते लेके आने हैं। आने वाले शनिवार के दिन उन पेड़ के पत्तों का बेटा एक बंधन द्वार बनाना, जैसे हम कोई घर में मांगलिक कार्य करते हैं, मुहूर्त करते हैं, घर के बाहर पत्तों का बंधन द्वार लगाते हैं, तो 21 पत्तों का बंधन द्वार आने वाले शनिवार को अपने मुख्य द्वार पर लगा देना
और आने वाले सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है 4 बजे, नहा धो के 4:30 बजे आपने आधी कटोरी में थोड़ी हल्दी डालनी है, आधी कटोरी हल्दी को लेप बनाना है सरसों का तेल मिला के, और जो घर का मुख्य द्वार है यानी बाहर से जब आप अंदर की तरफ प्रवेश करते हो तो दोनों तरफ बेटा आपको हल्दी से ओम बनाना है, वो ओम जो है आपको मध्यमा उंगली से बनाना है और उसको अक्षत लगा के धूप दीपक दिखा के आपको ओमकार देवता से प्रार्थना करनी है कि हे ओमकार देवता हमारे ग्रह की हमारे घर की रक्षा करो, जो भी अला बला प्रेत बाधा है उसको हमारे घर से दूर करो। और बेटा इस प्रकार की प्रक्रिया से देखना आपको बड़ा अद्भुत लाभ मिलेगा। आने वाले शुक्रवार के दिन आपको बेटा घर के चारों कोनों में बेटा एक एक फिटकड़ी का टुकड़ा रखना है बेटा, और शनिवार की रात को ठीक 12 बजे उस टुकड़े को चारों टुकड़ों को उठा के घर में रसोई में जाना, तवा गर्म करना, अच्छी तरह तवा गर्म करते हुए तवे के ऊपर वो चारों फिटकड़ी के टुकड़े रखकर उसको जला देना, वो फूल कर पूरी तरह जब जल जाएंगे उनको उठा के कहीं चौराहे पर फेंक देना और उसको अपने सीधे पांव से जूते से उसको 7 बार उसको जूता मार देना और ये बोलना है जहां से आई तू वहीं चली जा। इसके अलावा रोजाना संध्या काल में आपको पंसारी की दुकान पे भी जाना है, वहां से गूगल हरमल जटामासी लोबान कपूर और पीली सरसों लेकर आनी है, इनको पीस के रखना है। संध्या काल में रोजाना 2 चम्मच ये सामग्री निकाल के किसी उपले पर डालकर कपूर घी से जलाकर उसकी धूनी बेटा पूरे घर में देना शुरू कर दीजिए, और परिवार के सभी लोग और आप अपनी बहन को सबको फिरोजा रतन बेटा काले रंग के धागे में शनिवार के दिन बेटा धारण करना है। बेटा मुझे एक बार अपना गोत्र बताओ बेटा। गोत्र मेरा कश्यप है। फोन पर बेटा बने रहिए बेटा। आपका बेटा सदा कल्याण होगा। तो प्रिय दर्शकों इसी प्रकार से आप इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी समस्याओं का सरल समाधान ले सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको समर्पित है और सभी YouTube चैनल के दर्शकों को एक बार फिर से कहना चाहता हूँ हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल को YouTube पे जाके सर्च करें या गुरुदेव राजेंद्रन कृष्ण के नाम से हमारे चैनल को भी सर्च कर सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम रोजाना लाइव हमारे YouTube पर चलता है, आप उस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं और हमारे बहुत से वीडियोस हैं जिसको देखकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों अभी कुछ ही दिनों में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है, बृहस्पति मीन राशि में आने वाले हैं, तो धनु लगन या धनु राशि वालों के लिए बड़ी अच्छी सूचना है। उनका नया मकान बनेगा, नई संपत्ति बनेगी, नई संपत्ति से आपका जीवन और अच्छा होगा और भूमि से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके वाहन और भूमि खरीदने के लिए नया मकान बनाने के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आइए दर्शकों कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। गुरुजी रवि नाम है मेरा। रवि बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? जी मैं जलंधर पंजाब से बात कर रहा हूँ जी। अपनी उम्र बताएं। जी मेरी उम्र 34 साल है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 18 नंबर गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताएं। गुरुजी मेरे माँ का नाम कविता है जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा अभी बने रहिए। जी गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा कोई कपड़े से संबंधित व्यापार करते हो? जी जी गुरुजी। जी जी व्यापार पार्टनरशिप में करते हो बेटा? जी जी गुरुजी। जी
लाभ नहीं मिल रहा, जब से कार्य कर रहे हो कोई बरकत नहीं, एक पैसा लौट कर नहीं घर पे आ रहा, और कर्जदारी भी आपके ऊपर हो गई होगी। जी गुरुजी, बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा गुरुजी। पहली बात तो ये सुन लो, कभी भी आप व्यापार के अंदर पार्टनरशिप में कभी सफल नहीं हो सकते। कपड़े का काम आपके लिए ठीक है, आप जो भी अपना व्यापार कार्य करना चाहते हैं अपना अलग से करो, नहीं तो हिस्सेदारी में डूब जाओगे। आपका मित्र ही आपको शायद धोखा दे देगा, आप उस पर भरोसा ज़्यादा करते हो, उसके आगे ज़्यादा खुलकर बोल भी नहीं पाते हो, वो आप पर हावी रहता है, और उसी कारण आपके ऊपर मुझे कर्जा होता दिखाई दे रहा है। क्या ये बात सत्य है? जी गुरुजी, मेरे अपने दोस्तों ने मिलकर ही कर्जा उठा लिया मेरे नाम का, लेगा मुझे फंसा दिया गुरुजी उन्होंने। बेटा उसका चक्कर छोड़ो, अब जो घाटा हुआ सो हुआ, उसको छोड़ दो, अपना अलग से काम करो, नहीं तो उससे हिसाब करके अपना अपना अलग से काम बनाओ। आपका मैं काम अवश्य चलाऊंगा। एक तो शुद्ध नीलम रतन बेटा आपको धारण करना है। हर शनिवार को बेटा पीपल पर मीठा जल, थोड़े काले तिल डालकर बेटा चढ़ाएं। 7 प्रकार का अनाज बेटा आपने पिसवा कर घर में रखना है। उसके 7 प्रकार के अनाज की रोटी बेटा घर में थोड़ी बड़े साइज की रोटी बनाया करो। वो रोटी रोजाना किसी बैल को बेटा आपने खिलानी है। ये उपाय करना है। 7 प्रकार का अनाज कबूतरों को पक्षियों को भी डालना शुरू कर दीजिए। सुबह जब स्नान करते हो 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर बेटा स्नान किया करो, उससे शुक्र शुभ होगा, घर में बरकत और पैसे का आपको लाभ प्राप्त होगा। और वर्ष में एक बार आपने एक विशेष उपाय करना है, वो आपको साल में एक बार करना है। 1 मीटर नीला कपड़ा लेना है, उसमें एक देखने वाला चौरस शीशा रखना है, 4 सूखे नारियल, 400 ग्राम जौ, 800 ग्राम लेड यानी सीसा धातु आती है, ये सभी सामग्रियाँ आपने नीले कपड़े में बांधनी है। जब नीले कपड़े में आप ये बांध रहे होगे तो एक बार शीशा उठा के उसमें अपनी शक्ल देख लेना, उसको बेटा उसके अंदर उल्टा रख देना। इन सभी सामग्रियों को पोटली बना के सिर से 7 बार वार कर किसी बेटा बहते पानी दरिया में आप इसको बहा देना। ये उपाय सिर्फ वर्ष में एक बार करना है, और बुधवार के दिन सूर्यास्त से पहले करना। कभी कभी बेटा शराब पीते हो आप? जी जी गुरुजी, कभी कभार गुरुजी। आपके अंदर ये सबसे बड़ी कमी है बेटा, शराब पीते हो। आपका शनि का राजयोग है, शश राजयोग है, शराब पियोगे तो बुद्धि का नाश होगा, आपका भाग्य दूसरे खा जाएंगे, जीवन में कभी भी बरकत नहीं आएगी, आपको हमेशा नुकसान उठाना पड़ेगा। शराब नशा करना छोड़ दो तो जीवन में सुख मिलेगा। बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। जी गुरुजी, मेरा वशिष्ठ गोत्र गुरुजी। फोन पर बने रहिए। आपका सदा कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार हिस्सा ले सकते हैं। जिन लोगों की कॉल इस कार्यक्रम में अभी तक नहीं लगी है, मुझे बड़ी इस बात की चिंता रहती है, इस बात का थोड़ा सा मुझे असंतोष भी रहता है कि मैं सबकी कॉल नहीं ले सक रहा, लेकिन हम आपकी सेवा में दिन भर लगे रहते हैं। आप कार्यक्रम के उपरांत भी हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। तो चलते चलते माँ देवी को आप सभी लोग प्रणाम करिए। नवरात्रे हैं, हे माँ देवी, इन नवरात्रों में हमें आशीर्वाद दे के जाओ, हमारे कार्य पूर्ण कर दो। तो सभी लोग बड़े प्रेम से बोलिए, माँ देवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ देवी अपनी कृपा इसी प्रकार से बनाए रखना। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे, आपकी समस्याओं का पूर्ण समाधान यहीं होगा। बड़े प्रेम से 3 बार बोलो, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।